ओके अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाजरा शबीर फ्रॉम ईस्टर्न डिपार्टमेंट फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद एंड थैंक्स डॉक्टर मोहम्मद अकरम एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न डिपार्टमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वेबिनार। आज हम लोग बात करेंगे ट्रैकोमा के बारे में, ठीक है। ये जो है कैलेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस की वजह से होता है, ठीक है। ये साइटोकोसिस लिम्फोग्रानुलोमा ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। ये लाई करता है बिटवीन द बैक्टीरिया और वायरस। उसके अलावा ये है कि जो ये कंजक्टिवा की एपिथेलियल लाइनिंग है उसको जो है ये अफेक्ट करता है, ठीक है। इसकी जो है वो प्रेवलेंट है यूरोप में, एशिया में, इंडिया में, चाइना में, जापान में, ठीक है, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, ठीक है। इसके अलावा ये कॉमनली जो है वो अनहाइजेनिक क्राउडी या डर्टी इन्वायरमेंट में दिखने मतलब देखने में मिलता है। उसके अलावा ये इसकी कॉन्टेजियस है, ये एक्यूट स्टेज में, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसके सिम्टम्स की बात करें, इसमें इरिटेशन आ जाता है, रेडनेस आ जाता है, इचिंग आ जाती है, फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग आ जाता है। क्रोनिक स्टेज में जो है इसमें कॉर्निया इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जो पेन, लैक्रिमेशन, फोटोफोबिया जो है वो कॉज करता है। उसके बाद इसकी क्यूर स्टेज में कंजक्टिवा आ जाता है, क्रोनिक में जो है कॉर्निया आ जाता है, ठीक है। इसके साइंस में देखा जाए तो प्राइमरी इन्फेक्शन में जो है वो एपिथेलियल लाइनिंग आ जाती है, जो कि कंजक्टिवा और कॉर्निया दोनों की जो है एपिथेलियम को इन्वॉल्व करता है। कंजक्टिवल में जो है वो डिफरेंट आ जाती है, इसमें जो है वो फोलिकल्स आ जाते हैं, आर्टल्स लाइन आता है, टिपिकल आ जाता है, पेपिला आ जाता है और कंजेशन आ जाता है, ठीक है। फोलिकल्स में आ जाएगा कि हेयर फोलिकल्स जो है वो इसको मतलब इसमें आते हैं, जैसे इसमें जो है उनका साइज 1 से 5 मिलीमीटर है। आर्टल्स लाइन जो है इसमें यह है कि जो लाइन है पेरिफेरल कंजक्टिवल की उसकी स्कारिंग हो जाती है 2 मिलीमीटर तक। टिपिकल में यह है कि स्टार शेप स्कारिंग जो है वो नज़र आती है। पेपिला में यह है कि ये पेल्पेब्रल कंजक्टिवा में प्रेजेंट होता है। कंजेशन में यह आ जाता है कि रेड वेलवेटी जेली लाइक थिकनिंग हो जाती है कंजक्टिवा की। उसके बाद जो है कॉर्नियल की बात करें तो इसमें हर्बर्ट स्पिट्स आ जाते हैं, फॉलिकल लाइक इन्फिल्ट्रेशन होती है। सुपरफिशियल कैराइटिस में यह है कि अपर पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। पेनस में यह है कि लिम्फाइड इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है, वेस्कुलराइजेशन जो है वो अपर पार्ट कॉर्निया में नज़र आती है। उसके अलावा यह है कि टोटली रिजॉल्व हो सकती है अगर बोनमैन कैप्सूल जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो। उसके अलावा अगर हम लोग इसके डिफरेंस की बात करें कि प्रोग्रेसिव है, क्रिप्टोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव में यह है कि सुपरफिशियल ब्लड वेसल जो है वो पैरेलल होती हैं, डाउनवर्ड डायरेक्टेड होती है। रिग्रेसिव में यह है कि शॉर्ट एरिया होता है इन्फिल्ट्रेशन का। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन देखी जाए तो एक तो मैककेलन क्लासिफिकेशन है जिसमें ट्रैकोमा 1 जिसको सब क्लिनिकल स्टेज कहा जाता है, अर्ली स्टेज है, ठीक है। इससे पहले जो है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस करनी पड़ती है। ट्रैकोमा 2 में इसको स्टेज ऑफ टाइपिकल ट्रोकोमाइटस लेगेंस कहा जाता है, ठीक है। ये पीरियड है टाइपिकल इन ट्रैकोमाइटस लेगेंस के दरमियान और स्कार टिश्यूज की डेवलपमेंट के दरमियान। ट्रैकोमा 3 में जो है इसको हम लोग स्टेज ऑफ स्कारिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसमें यह है कि टाइपिकल स्टार शेप स्कारिंग होती है, ठीक है। ट्रैकोमा 4 को स्टेज ऑफ स्केलर और कॉम्प्लिकेशंस भी कहा जाता है, ठीक है। डिजीज जो है क्विट है, इसको क्योर भी कर सकता है, लेकिन साइकाइट्राइजेशन में जो है वो सिम्टम्स वगैरह नज़र आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा WHO के मुताबिक इसकी क्लासिफिकेशन देखी जाए तो TF है, ट्रैकोमाइटिस इन्फ्लेमेशन फोलिकुलर। उससे ज़्यादा फॉलिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होकर वेजल्स भी जो हैं वो भी नज़र आती हैं। TI में जो है वो ट्रैकोमाइटिस इन्फ्लेमेशन आ जाती है, इंटेंस इसमें जो है थिकनिंग हो जाती है अपर टार्सल कंजक्टिवा की। ये ऑब्स्क्योर करता है 50 या उससे ज़्यादा डीप टार्सल वेजल्स को। TS में आ जाता है ट्रैकोमाइटिस स्कारिंग, स्कारिंग जो है वो नज़र आती है अपर टार्सल कंजक्टिवा में, ठीक है, जिसमें वाइट फाइब्रस लाइंस बॉन्ड्स और शीट्स बन जाती हैं। ट्रैकोमाइटिस ट्राइकियासिस में यह है कि एक या एक से ज़्यादा मिसडायरेक्टेड डायलिसिस हो जाती हैं अगेंस्ट द आई बॉल, ठीक है। कॉर्नियल ओपेसिटी में यह है कि विजिबल कॉर्नियल ओपेसिटी जो है पीपल के रिजल्ट में, जिसके रिजल्ट में वीएल इंपेयरमेंट हो जाती है, स्केलर और कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। इसमें ट्राइकियासिस में जो है वो मिसडायरेक्टेड आईलैशेज आ जाती हैं, कॉर्नियल अल्सर बन जाते हैं ड्राई आई की वजह से, मिसडायरेक्टेड आईलैशेज। कॉर्नियल ओपेसिटी में यह है कि कॉर्नियल अल्सरेशन हो जाता है, ठीक है। इंट्रोपियन में यह है कि इनवर्ड मूवमेंट हो जाती है लिड की, जिसके रिजल्ट में स्कारिंग हो जाती है। सिरोसिस में यह है कि स्कारिंग होती है कंजक्टिवा की, जिसके रिजल्ट में डिस्ट्रक्शन हो जाती है गॉबलेट सेल्स की, जो कि स्वेयर म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। पटोसिस में यह है कि लार्ज फोलिकल फॉर्मेशन हो जाती है। ब्लाइंडनेस में यह है कि परफोरेशन हो जाती है कॉर्नियल अल्सर की, जो ब्लाइंडनेस काज करता है। डायग्नोसिस इसका क्लिनिकल है, लेबॉरेटरी है। क्लिनिकल में यह है कि अगर 2 साइन प्रेजेंट हो तो इसका मतलब है कि डायग्नोसिस मतलब कन्फर्म है, जिसमें फॉलिकल्स हैं, एपिथेलियल लगल कैराइटिस है, स्टार शेप्स कारिंग है, पेनस है, ठीक है। उसके अलावा लेबॉरेटरी में देखा जाए तो हिस्टोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन इंक्लूइन बॉडीज की कल्चर को इरेडिकेट किया जाता है, MMC कॉइल सेल्स में, माइक्रो इम्यून फ्लोरोसेंस टेस्ट, ठीक है, IgIPA लाइट माइक्रोस्कोपी टेस्ट आ जाता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डायरेक्ट टेस्ट आ जाता है। ट्रीटमेंट जो है इसका कोई एंटीमाइक्रोबल ट्रीटमेंट जो है वो नहीं होता। टॉपिकल ट्रीटमेंट
जो है वो सल्फासिडामाइड 20 से 30% आई ड्रॉप्स जो है वो 4 टाइम्स डाले जाते हैं डेली फॉर 6 वीक्स। इलिमिनेशन की जाती है सेकेंड इन्फेक्शन की कंजक्टिवा की, ठीक है। आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं, इनमें सबसे प्रोफ्लेक्सोसिन, अफ्लक्सासिन आ जाता है, आर्टिफिशियल टीयर्स, टॉपिकल ट्रीटमेंट जो है वो 10% एरिथ्रोमाइसिन, 1% रेट्रोसाइक्लिन जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट में रिफामपिसिन, सिप्रोफ्लेक्सासिन, टेट्रासाइक्लिन, इंजेक्शन के ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्स के अंदर रहते हैं, ठीक है, अफेक्ट करते हैं, और जो अफेक्ट है एंटीबायोटिक का स्लो हो जाता है, इसलिए ट्रीटमेंट जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सर्जिकल ट्रीटमेंट इसमें कोई भी नहीं है एंटीबायोटिक, अगर तो इन्फेक्शन एंटीबायोटिक्स दी जाती है, एक्सचेंज किया जाता है, फॉर्मिक्स का टारसेक्टोमी की जाती है, अगर तो टारसल डिजीज है, डिसऑर्डर है, तो टारसेक्टोमी जो है वो परफॉर्म की जाती है। वेलेंस स्केल अप का ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें ड्राई केसेस आ जाता है, यूट्रोपियन आ जाता है, ड्राई आई जो है वो उसको जो है वो देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इनट्रोपियन की बात करें तो इनवर्ड मूवमेंट आ जाती है आई की, ठीक है। टाइप्स में जो है वो स्पास्टिक और साइकेट्रिकल आ जाता है। स्पास्टिक में ये है कि ऑर्बिकुलरिस मसल्स की जो है वो स्पाम हो जाता है, ठीक है, अगर टाइट बैंडेजिंग की है ऑपरेशन के बाद। उसके अलावा ये बहुत बूढ़े लोगों में होता है, इसमें लोअर लिड इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा साइकेट्रिकल में यह है कि कॉन्ट्रेक्शन हो जाती है पैल्पेब्रल कंजक्टिवा की, ट्रैकोमा स्टेज वन में, अल्ट्रेटिव ब्लेफरेटिस में, ब्यूरस में, बर्न्स में, ऑपरेशन में, डिथेरेटिक मेम्ब्रेन कंजक्टिवाइटिस में। अगर हम लोग साइकेट्रिक स्पास्टिक के ट्रीटमेंट की बात करें तो स्पास्टिक ट्रीटमेंट और बैंडेज अप्लाई की जाती है। दिस कॉसेस की है कि ब्लेफरोस्पाम को ट्रीट करना है, अगर तो ये टाइट बैंडेजिंग की वजह से है तो अपनी उसको बैंडेज को जो है वो टाइट लूज करना है। ट्रीटमेंट में ये है कि ऑपरेटिव प्रोसीजर्स आ जाते हैं, रिसेक्शन ऑफ स्किन एंड मसल्स आ जाता है, स्किन ग्राफ्टिंग आ जाता है, रिसेक्शन ऑफ टार्सल स्किन मसल आ जाता है, ब्यूरस ऑपरेशन आ जाता है, आईलिड कवर्ट किया जाता है कंजक्टिवल स्टेज पे। एंड्रोपियन में ये है कि आउटवर्ड मूवमेंट हो जाती है, आईलिड इसकी टाइप्स में स्पास्टिक आ जाता है जो कि ब्लेफरोस्पाम भी आ सकता है बच्चों में, यंग पर्सन में। मैकेनिकल में यह है कि टिकनिक हो जाती है कंजक्टिवा की, जिसमें ट्रैकोमा फोड़ आ जाता है। साइकेट्रिकल में यह है कि क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस की वजह से ब्लेफरेटिस, इसमें इंजरी, बर्न, अल्सर्स आ जाते हैं। सेनाइल में जो है वो ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई मसल्स की लेग्जेटी की वजह से या दूसरे लिड के टिश्यूज की वजह से। पैरालिटिक में यह है कि पैरालिसिस हो जाती है ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई मसल्स की। सिम्टम्स में यूफ एपिफोरा आ जाता है, जिसमें कांस्टेंट वाटरिंग ऑफ आई होता है, ठीक है। साइंस में आ जाता है कि कंजक्टिवा ड्राई, उसके अलावा टेक्स्चर में थिक हो जाता है। क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस जो है वो हो जाता है, कॉर्नियल अल्सर हो जाता है। ट्रीटमेंट स्पास्टिक आ जाता है, इसमें यह है कि जो अंडरलाइन कॉज है ब्लेफरोस्पाम की, उसको ट्रीट किया जाता है। साइकेट्रिकल में यह है सर्जरी की जाती है, सर्जरी का मेन एम यह होता है कि लिड मार्जिन को फ्री करना होता है और स्कार टिश्यूज को रिस्टोर करना होता है लिड को। इसमें वीवाई ऑपरेशन किया जाता है, वीवाई इंसिजन जो है वो स्किन में लोअर लिड में किया जाता है, जो जिसमें स्कार आ जाता है। स्कार टिश्यू एक्सचेंज की जाती है, स्किन ग्राफ्टिंग की जाती है। सिनाइल एंट्रोपियन, इसमें फुल थिकनेस शॉर्टिंग ऑफ लिड किया जाता है। कोहन साइजिंग मानोस्काई प्रोसीजर किया जाता है, स्किन फ्लैप रिपेयर किया जाता है, फुल थिकनेस शॉर्टिंग वो की जाती है लेटरल कैंथस पे। पैरालिटिक के एंट्रोपियन में जो है वो लेटरल टार्सोफाफी जो है वो इंडिकेट की जाती है। ओके सर, थैंक यू।